दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाने वाले चीन ने अब आतंकी संगठनों को भी मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। इसके लिए चीन ने बिटकॉइन की मदद ली है। बिटकॉइन भले ही चीन में गैर कानूनी है, बावजूद इसके क्रिप्टो करेंसी की काली दुनिया का बादशाह अगर कोई है तो वो चीन ही है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन की एक बड़ी कंपनी ने हमास, ISIS, अलकायदा और हिजबुल्ला जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से 1,00,000 से भी ज्यादा बार लेन देन किया है। थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और भारत से लेकर अमेरिका तक चीन की क्रिप्टोकरेंसी के फैले जाल पर TFA ने खास पड़ताल की तो कई हैरतअंगेज सच सामने आए हैं। दरअसल एक प्राइवेट कंपनी के जरिए चीन की सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी में महज एक महीने में ही 7.5 लाख करोड़ का लेन देन किया है, यानी इतना जितना कि भारत का रक्षा बजट भी नहीं है। भारत का रक्षा बजट 6,20,000 करोड़ है। आतंकी संगठनों को बिटकॉइन के जरिए कैश मुहैया कराने का काम चीन की एक बड़ी कंपनी ने किया है, जिसे चीन की शी जिनपिंग सरकार मदद करती है। चीन की इस क्राइम सिंडिकेट को इसीलिए TFA ने नाम दिया है द ग्रेट वॉल ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। वर्ष 2017 में चीन में बिनेंस कंपनी का गठन किया गया जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती थी, लेकिन महज 4 साल बाद ही यानी वर्ष 2021 में चीन ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। इस कंपनी ने यानी बेनिंस ने कुछ समय के लिए अपना हेडक्वार्टर जापान में शिफ्ट किया और फिर माल्टा। इसके बाद अचानक कंपनी का हेडक्वार्टर दुनिया के नक्शे से गायब हो गया, लेकिन चीनी नागरिकों पर नजर रखने के लिए बेनिंस कंपनी ने बीजिंग की एनफोर्समेंट एजेंसियों से हाथ मिला लिया, यानी सरकारी एजेंसियों से। चीन की CCP सरकार के क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में हाथ होने का सबूत तब मिला जब महज एक महीने में ही यानी कि वर्ष 2023 के जुलाई महीने में इस कंपनी ने $90 बिलियन यानी करीब 7.5 लाख करोड़ का व्यापार बिटकॉइन में किया। चीन में करीब 9 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हैं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो एक महीने में इतना बड़ा लेन देन बिना चीनी सरकार की मिलीभगत के असंभव लगता है। चीन में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध के बावजूद बिनेंस कंपनी ने चीनी ट्रेडर्स को VPN और दूसरे माध्यम से भी ग्लोबल एक्सचेंज तक रीरूट करने में मदद की। बिनेंस कंपनी और इसके CEO के काले साम्राज्य का भंडाफोड़ किया अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और US ट्रेजरी विभाग ने। कंपनी का CEO है चांग पेंग झाओ, जो चीनी मूल का कैनेडाई और UAE का नागरिक है। पूरी दुनिया चांग पेंग को CZ के नाम से जानती है। फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में शुमार है CZ, लेकिन US ट्रेजरी का आरोप है कि बिनेंस एक क्रिप्टोकरेंसी का एक्सचेंज चलाती थी। अमेरिका का यह भी आरोप है कि यह एक्सचेंज दुनिया भर के आतंकी संगठनों के लिए टेरर फाइनेंसिंग का एक बड़ा जरिया था। US जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक बिनेंस ने जानबूझकर यह बात छिपाई कि कंपनी टेरर फाइनेंसिंग में लिप्त है। कंपनी ने हमास, अलकायदा और ISIS जैसे दुनिया भर के बड़े आतंकी संगठनों से 1,00,000 संदिग्ध ट्रांजेक्शन किए। गाजा में सक्रिय हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले के बाद से जैसे हम लोग जानते हैं कि इसराइल ने हमास और गाजा के खिलाफ जंग छिड़ रखी है। वहीं IS ने पिछले महीने की 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को में एक कॉन्सर्ट हॉल में नरसंहार के जरिए 140 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। रूस का आरोप है कि इस आतंकी हमले के लिए ISIS को चेचन विद्रोही और यूक्रेन से भी मदद मिली थी। अमेरिका का यह भी आरोप है कि इस बिनेंस कंपनी ने टेरर फाइनेंसिंग के साथ साथ रैंसमवेयर, मनी लॉन्ड्रिंग और अपराधियों के साथ भी संदिग्ध लेनदेन किए। बिनेंस कंपनी के CEO CZ पर US जस्टिस डिपार्टमेंट ने मुकदमा चलाया है। CZ ने अपना आरोप कबूल कर लिया है और इन दिनों $175 मिलियन के रिलीज बॉन्ड पर जेल से बाहर है। इसी महीने की यानी कि 30 अप्रैल को सिएटल की एक अदालत CZ पर चल रहे आरोपों पर अपना फैसला सुनाएगी। माना जा रहा है कि उसे 18 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है, यानी कि CZ को। चीनी क्रिप्टोकरेंसी का मकड़जाल सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी फैला हुआ है। फरवरी के महीने में यानी कि इसी साल फरवरी के महीने में इंग्लैंड में रिकॉर्ड £3 बिलियन यानी कि मान सकते हैं $6.3 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल बिटकॉइन जब्त की गई थी। इस बरामदगी में नाम सामने आया एक चीनी मूल की महिला का, जो लंदन की सबसे महंगी संपत्तियों में खरीदने में
कोशिश कर रही थी, यानी कि सबसे महंगी संपत्ति खरीदने की कोशिश कर रही थी। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जियान बेन नाम की इस चीनी महिला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लंदन पुलिस को शक है कि इस काम में एक अन्य चीनी महिला शामिल है जिसने चीन में रहते हुए धोखाधड़ी के जरिए 5 बिलियन पाउंड का स्कैम किया था और फिर इस रकम के जरिए लंदन में आलिशान घर खरीदने की फिराक में थी, यानी ये दोनों महिलाएं। लंदन पुलिस को शक है कि जियान बेन और उसकी दूसरी महिला साथी बिटकॉइन के बदले कैश और दूसरे एसेट में तब्दील करने का गोरख धंधा इंग्लैंड में कर रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं बिनेंस कंपनी के लिए ही किसी ना किसी रूप में काम करती थी। इन चीनी साइबर फ्रॉड का जाल इंडिया तक भी फैला हुआ है। पिछले साल जुलाई के महीने में हैदराबाद में भी एक साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया था। करीब 15,000 भारतीय नागरिक, सही में 15,000 भारतीय नागरिकों से यूट्यूब इंस्टा जैसे सोशल मीडिया को लाइक करने के एवज में 700 करोड़ की ठगी की गई थी। इस मामले में अदालत पुलिस ने मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन हैदराबाद पुलिस की माने तो इस साइबर ठगी में ये 9 आरोपी जो थे ये महज फ्रंट थे। इस खेल के असली खिलाड़ी थे 3 चीनी नागरिक जो दुबई के जरिए भोले भाले भारतीयों का पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाते थे। हैदराबाद पुलिस को शक है कि धोखाधड़ी का कुछ पैसा लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला तक पहुंचाया गया था। लेबनान का यह हिजबुल्ला आतंकी संगठन जो है ये वही है जो इस वक्त जिसका इसराइल के साथ युद्ध चल रहा है और इसराइल ने इस हिजबुल्ला आतंकी संगठन के खिलाफ कई बड़े हमले लेबनान में किए हैं। मामले की तह तक जाने के लिए यानी कि हैदराबाद पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम यूनिट को भी इस बारे में, इस केस के बारे में अलर्ट किया है। भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी चीनी गैंग का क्राइम नेटवर्क फैला हुआ है। चीन के क्राइम सिंडिकेट का नेटवर्क थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार तक फैला है। ये गैंग क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड, ड्रग्स स्मगलिंग और मानव तस्करी जैसे गैर कानूनी अपराधों में शामिल रहते हैं। यहां तक कि म्यांमार में अराकान आर्मी जैसे विद्रोही संगठनों को हथियार तक ये गैंग मुहैया कराता है। ये चीनी गैंग इन देशों की पुलिस और साइबर यूनिट के अधिकारियों से भी संपर्क में रहते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जानकारों की माने तो इन गैंग के जरिए चीन दुनिया भर में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। ये चीन की CCP यानी कम्युनिस्ट पार्टी के ऑपरेशंस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गुपचुप तरीके से दुनिया भर में अपना प्रभाव और दादागिरी स्थापित करना है। यानी कि जब ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट होगा तब उस वक्त ये सब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये सब हो सकता है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में चीन और चीन की CCP सरकार को मदद कर सकते हैं। जैसे हाल ही में जब इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है रेड सी में, लाल सागर में, जब ईरान समर्थित जो हुती विद्रोही हैं वो उन्होंने जो है चीन और रूस के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत हुती विद्रोही ने कहा है कि वो अब चीन के और रशिया के जो युद्धपोत हैं उन पर अटैक नहीं करेंगे। इस तरह के ही ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट के लिए ही चीन जो है, माना जा रहा है, सामरिक जानकार मानते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है फंडिंग कर रहा है। धन्यवाद, जय हिंद। हम आपको यहां पर यह जरूर बताना चाहेंगे कि TFA की यह इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से OSINT यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर आधारित है।